खेरसोन के बाद मारियोपोल में भीषण युद्ध छिड़ने के आसार हैं। बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस तेजी से बढ़ा रहा है सैनिकों की तैनाती। मारियोपोल की तरफ बढ़ता दिखा है रूसी ट्रूप्स का काफिला। तो खैर, आपने देखा होगा जब वॉर को एक या दो महीने हुए थे और उसके बाद जब मारियोपोल पर अटैक किया था रूस ने, पूरे शहर को खंडहर बना दिया था। एक बार फिर मारियोपोल की तरफ बढ़ता दिखा है रूस का काफिला। खेरसोन के बाद अब मारियोपोल पर क्या रूस ने अपना फोकस कर दिया है और क्या मारियोपोल पर एक बार फिर से कहर टूटेगा? एक और बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्र रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव की वेस्ट को डायरेक्ट वार्निंग। रूस में अपने दुश्मन को मात देने की ताकत, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। यूएस नेतृत्व वाले नेटो देशों से अकेले लड़ रहा है रूस, ये कहा है मेदवेदेव ने। रूसी हथियारों का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये कहते हुए दिमित्री मेदवेदेव। तो रूस की नेटो को वार्निंग, रूस अकेले नेटो सेनाओं से लड़ रहा है, ये कहते हुए मेदवेदेव, और वो दिख भी रहा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेटो सेनाओं ने अगर फुट सोल्जर्स नहीं भेजे हैं तो पूरी मदद दी है नेटो देशों ने यूक्रेन को, हथियार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मेदवेदेव वो कहते हुए नेटो को तबाह करने के लिए रूस अकेले काफी है, रूस अकेले नेटो सेनाओं से लड़ रहा है, ये दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। उन्होंने कहा नेटो को तबाह करने के लिए हम अकेले काफी हैं। उन्होंने कहा हमने कभी फुल आर्सेनल का इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत बड़ा बयान है। यूक्रेन से युद्ध में अभी आगे कुछ भी संभव है। रूस फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहा है, न्याय संगत वर्ल्ड ऑर्डर रूस बना रहा है, ये कहते हुए मेदवेदेव। और जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास आता हूं। जनरल कुलकर्णी, ये जो बात है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रूस ने अभी अपने जो महाविनाशक हथियार हैं या जो फुल बड़ा जो आर्सेनल है उसका मुंह तो खोला ही नहीं है और नेटो देशों से लड़ने को हम तैयार हैं। मेदवेदेव क्या ये कह रहे हैं कि नेटो देश भी अब इस वॉर में कभी भी शामिल हो सकते हैं? गौरव धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, जो कह रहे हैं कि नेटो और जिसमें अमेरिका शामिल, वो सब मिल करके रूस के बरखिलाफ लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि रूस जो है काबिलियत है उनको लड़ने की, इसमें भी कोई शक नहीं। और ये सच है कि रूस ने अभी तक जितने उसके बाकी हथियार न्यूक्लियर को छोड़ करके बाकी कन्वेंशनल में भी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। क्यों अभी तक सोच रहा था रूस कि किसी प्रकार से भी, जैसे इसीलिए कीव जैसे शहर है, बड़े बड़े शहर है, काफी हद तक इनको छोड़ रखा था, अब इनके ऊपर बमबारी हो रही है। अगर हम देखें इन नॉर्मल उत्तर पूर्व की तरफ देखो तो खार्किव देखे, दक्षिण की तरफ देखे तो खेरसोन को देखे, अब जैसे मारियोपोल, क्योंकि खेरसोन जो है इट इज गेट वे टू क्रीमिया और उसको मद्देनजर रखते हुए खेरसोन को भी अगर रूस ने किया है, इट इज नॉट जिस प्रकार से पश्चिमी को पूरा बार बार कह रहे हैं कि विड्रॉल हो गया, ऐसे नहीं, इसे टैक्टिकल, जैसे आपने ठीक कहा, नाइपर रिवर है, बहुत चौड़ी रिवर है, उसके ऊपर से ब्रिज विध्वंस उसको तोड़ दिया गया है, जो डैम है उसके इलेक्ट्रिकल सप्लाई रोक रखा हुआ है। तो ऐसे हालात में चाहे यूक्रेन कितना भी कहे, जितने भी अपने पास इनपुट्स आ रहे हैं, वेस्टर्न इनपुट्स आ रहे हैं, रूस जो है ऐसे कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसको मालूम है एग्जैक्टली उसने करना क्या है। रूस कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सर मैं आता हूं आपके पास, रूस कच्चा खिलाड़ी नहीं है और रूस ने अभी आगे के लिए अपनी गोलियां बचा कर रखी हुई हैं। मैं जल्दी से जाना चाहूंगा आशीष के पास, आशीष, क्योंकि यहां इस वक्त बाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, G20 समिट होनी है और जितनी भी हम बात कर रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं G20 का कनेक्शन जुड़ता है। आशीष देखिए, अभी एक बात यहां पर आई कि दो बातें आई, एक बात यह कि अब यूरोप थक चुका है और वो G20 में कहीं ना कहीं अब यूरोप और रूस के इस वॉर का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, और दूसरा ये कि रूस इसी समिट के दौरान यह मैसेज देगा कि रूस के राष्ट्रपति चाहे भले इसमें शामिल ना हो लेकिन रूस कमजोर नहीं है। इन दोनों पर क्या आपको वहां से जानकारी मिल रही है? देखिए, कोई एक वो व्यक्ति है जो पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो उपस्थित न रहकर भी सबसे ज्यादा उपस्थित रहेगा लोगों के दिलों में, जुबान पर, स्टेटमेंट्स पर, और सारे के सारे जितने भी G20 और आसियान समिट के बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रहे होंगे उन सभी पर रूस का दबदबा बना रहेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है ये जो दो मीटिंग्स चल रही हैं, आसियान चल रही है और जो G20 शुरू होने वाली है परसों से, इसमें ये समय अपॉर्चुनिटी इस तरह से इस्तेमाल की जाएगी व्लादिमीर पुतिन और रशिया द्वारा कि जितने चाहे देश एक साथ में वेस्टर्न की तरफ से, नेटो की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जमा हो जाएं
जब वो दूसरी तरफ बमबारी करेंगे, वो अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, चाहे वो नॉर्थ स्ट्रीम हो या फिर यूक्रेन पर किसी स्पेसिफिक एरिया में हमला हो, तो ये सारे के सारे देश मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका भी बनती हुई मुझे दिख रही है, वो ये है कि रूस भी चाहेगा अब कि बातचीत से आगे हल निकले, लेकिन वेस्ट और यूक्रेन अभी नहीं चाहेगा। तो ये बड़ा अंडरलाइनिंग थीम होगा, आसियान में भी है और G20 में भी होगा, कि क्या अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बातचीत के रास्ते पर आगे हल निकालेंगे, और अगर वो आगे निकालने के लिए तैयार है, जिसके सिग्नल्स उन्होंने काफी दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के थ्रू, इंडिया के थ्रू, लेकिन क्या वेस्ट और यूक्रेन उन्हें बातचीत के टेबल पर आने देगा। ठीक है, ये बड़ा आपने यहाँ पे असेसमेंट किया है कि यहाँ पर रूस अगर चाहता है तो क्या वेस्ट उस चाहत को पूरा होने देगा। अब देखना है G20 में इसी बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।